फिर एक सवाल यह है कि स्टेप फादर और स्टेप मदर की जिम्मेदारी का हक क्या सेम है जैसे कि खुद के औलाद के लिए है, यानी कि कोई अगर किसी को गोद लेकर पाल रहा है जी, अपनी औलाद के अलावा किसी और को गोद लेकर पाल रहा है, तो ऐसी सूरत में उनकी वो जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती है जो उनकी अपनी ख़ास औलाद की होती है। हाँ, जब आपने ले लिया, लेकर पाल रहे हैं, तो उसके बाद यकीनन आपकी अपनी जिम्मेदारियां ये तो होंगी कि जैसे लड़की को आपने ले लिया, गोद ले लिया, पाल रहे हैं, तो अब उसकी शादी वगैरह कराने कराने की ये सब जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन विरासत वगैरह में किसी तरह का हक उनको हासिल नहीं होगा। ले पालक, गोद लेकर जो बच्चे जना पाले जाते हैं, तो उन बच्चों को, अपनी औलाद को जिस तरह से विरासत में उनका हक होता है, तो इस तरह से ये लेकर पाले जाने वाले बच्चों को उनमें, और लेकर पालने वाले उनके जो माँ बाप, स्टेप फादर, स्टेप मदर वगैरह हैं, तो उनकी वफात के बाद विरासत वगैरह में किसी तरह का कोई हक नहीं होगा। बाकी आपने जब ले लिया इसी जिम्मेदारी के साथ कि हाँ भाई, हम इनकी जो ना सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो फिर आपको वो सारी जिम्मेदारी जिंदगी में तो उठानी ही है। बाकी मरने के बाद विरासत वगैरह में ये जो ना शरीक नहीं होंगे।